आशाराम बापू जी के शरण में थे तो उनकी हमें यही शिक्षा दी हुई थी कि कभी गुरु नहीं बदलना होता, कि गुरु बदलना तो पति बदलने जैसा है, महापाप है। उनकी जो आशाराम बापू जी की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, गुरु महिमा है, श्राद्ध महिमा, बहुत सारी उनकी पुस्तकें, मैं लगभग सारी पुस्तकें पढ़ी थी, तो मैंने पढ़ी हुई थी गुरु महिमा वाली भी, उसमें सारा दिया था कि गुरु तो बदलना ही नहीं होता। तो मैंने इस डर से, मैं मुझे ये था कि अब ज्ञान वो कुछ भी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हमने तो गुरु बनाया हुआ है, हमने गुरु अब बदलना नहीं होता, ये तो महापाप है। तो मैंने उनका बिल्कुल नहीं सुना। बहन जी नमस्कार। सत्साई भगत जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम मंजू है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले बचपन से ही हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरी मम्मी भी काफ़ी धार्मिक विचारधारा की हैं, तो वो हमें 8th क्लास से मुझे उन्होंने कहा था कि रोज़ गीता जी का 1 अध्याय का पाठ जरूर करना है, तो मैं वो 8th क्लास से वो रोज़ 1 अध्याय का पाठ करती थी। मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे उस अध्याय से ज़्यादा जो उसके बाद में महात्म में लिखा होता था, वो उसमें कथा सी आती थी, वो ज़्यादा मुझे समझ आती थी, लेकिन गीता में अध्याय में क्या लिखा होता ये इतना नहीं समझ में आता था। और साथ में व्रत रखते थे और सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और यही सब करते थे। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद हमने शादी के साल ही हमारे लुधियाना में संत आशाराम बापू जी आए थे, तो हमने उनसे नाम दीक्षा ली थी और उनके बताए मार्ग पर भी हम चल रहे थे जैसे वो बताते थे। बहन जी जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने संत आशाराम जी से दीक्षा ली थी, तो संत आशाराम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? उन्होंने हमें जब हम वहाँ सुबह दीक्षा लेने गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, तो उन्होंने हमें 8-9 मंत्र लिखवा दिए थे, बताए थे 8-9 मंत्र और कहा था कि जिसको जो अच्छा लगता है वो इनमें से एक चुन लीजिए, और जो हस्बैंड वाइफ पति पत्नी बैठे तो वो अपना एक ही मंत्र रखें। तो हमने ओम नमः शिवाय मंत्र अपने आप ही उसमें से हमें ठीक लगा तो वो ले लिया था, क्योंकि हम पहले से भी शिव जी की भक्ति भी करते थे। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि जो आशाराम जी के शोकेस में 7-8 मंत्र रखे हुए थे और आपने जो अच्छा लगा, जैसे आप पहले शिव जी की भक्ति करते थे तो आपने उस ओम नमः शिवाय को आपने वहाँ से चूज कर लिया। तो बहन जी जो मंत्र आशाराम जी द्वारा आपको दिया गया था ओम नमः शिवाय, या मैं कहूँगा कि उसके जो शोकेस में 7-8 मंत्र रखे हुए थे उनमें से आपने जो ओम नमः शिवाय चूज किया, उस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया? उसका मंत्र का जाप हमने लगभग 10 साल किया, और उस दौरान हमारे मतलब भला तो क्या होना था, मुसीबतें एक के बाद एक आती रही, मतलब उन मंत्रों से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सतगुरु परम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि 2004 में जब आस्था चैनल पे गुरु जी की सीडी चली थी कुछ दिन, तो एक दिन अचानक ऐसे ही बैठे हुए हमारे भगत जी ने वो लगाया हुआ था टीवी, तो वो चैनल वैसे ही बदल के देख रहे थे, जैसे देखते रहते थे हम, हर संत का भी सुनते रहते थे, बहुत सारे संतों के आते थे प्रवचन, तो अचानक ही गुरु जी का लग गया, तो गुरु जी गीता दिखा रहे थे, दिखा रहे थे उसमें से, बता रहे थे उंगली से कि ऐसे ऐसे ये है ये है, तो उनको इंटरेस्टिंग सा लगा क्योंकि ऐसे कोई बताता नहीं है साथ में ग्रंथ खोल के, तो उन्होंने देखा, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, लगभग उन्होंने 20-25 दिन सुना, मुझे भी बोला कि तुम भी सुनो इसको, ये कुछ अलग ज्ञान बता रहे, लेकिन हम संत आशाराम बापू जी के शरण में थे तो उनकी हमें यही शिक्षा दी हुई थी कि कभी गुरु नहीं बदलना होता, कि गुरु बदलना तो पति बदलने जैसा है, महापाप है। उनकी जो आशाराम बापू जी की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, गुरु महिमा है, श्राद्ध महिमा, बहुत सारी उनकी पुस्तकें, मैं लगभग सारी पुस्तकें पढ़ी थी, तो मैंने पढ़ी हुई थी गुरु महिमा वाली भी, उसमें सारा दिया था कि गुरु तो बदलना ही नहीं होता। तो मैंने इस डर से, मैं मुझे ये था कि अब ज्ञान वो कुछ भी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हमने तो गुरु बनाया हुआ है, हमने गुरु अब बदलना नहीं होता, ये तो महापाप है। तो मैंने उनका बिल्कुल नहीं सुना, सुना ही नहीं, और मैंने इनको भी कहा कि इनको लगता था कि हम भक्ति ना हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कोई अनुभव नहीं होता था, तो इन्हें लगता था कि हमारी भक्ति ठीक नहीं, पहले से ही लगने लग गया था कुछ 6-7 महीने से। और ये उस बीच में राधा स्वामी वाले भी हमें मिले थे, और कबीर साहब की जो वाणी थी हमें बहुत पहले से ही आकर्षित करती थी, उनके दोहे बहुत आकर्षित करते थे, तो और राधा स्वामी वाले जो एक दो भक्त इनको मिले थे, उन्होंने हमें वो वाली पुस्तक ला के दी थी जिसमें कबीर साहब जी का वो शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो हमने वो पढ़ी, तो उसमें क्योंकि लास्ट में तो वो सारा उसका निवारण कर देते हैं परमात्मा की वो सारी झूठी बनाई हुई रचना, लेकिन उससे पहले जो सारा
शब्द है उसमें बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे ध्यान लगाते हैं तो ये नज़र आता है, फिर ये नज़र आता है। तो इनको लगता था कि हमें जो बताया गया है, जो हम करते हैं, जो आसाराम बापू जी ने बताया, तो हमें तो कोई ऐसा कुछ दिखा ही नहीं आज तक। तो इनका ध्यान वहाँ से हटने लगा था। और राधा स्वामी के हम जाने वाले थे, तो एक दो इतवार हम जा नहीं पाए किसी कारण से, कोई और काम आ गया। तो इसी बीच में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का वो टीवी पे देख लिया, और वो ज्ञान ऐसा था कि इनको मतलब सुनते ही नहीं हो गया कि जो ये बता रहे बस यही सही है। और इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाना है। फ़ोन किया वहाँ करौंदा आश्रम में, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि अभी गुरुजी आश्रम में नहीं है, अभी गुरुजी जगह जगह जाके कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक के आइए। तो इन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि सबसे पहले गुरुजी कहाँ पे कर रहे हैं सत्संग, इस वक्त जल्दी कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी करनाल में होगा सत्संग। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे होगा। तो उन्होंने हमें लुधियाना में एक भगत है नरेश कौशिक जी, उनका नंबर दिया और कहा कि आप उनके पास जाइए, वो आपको सारा कुछ बताएंगे। हम उनके पास गए, उन्होंने हमें बताया सारा कुछ, और पुस्तक दी परिभाषा प्रभु की और गहरी नज़र गीता में, और सारा बताया उन्होंने। मैंने वो पुस्तक पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, और साथ में उन्होंने बताया भी करनाल में उस जगह पे होना है। तो जब वो सत्संग था 15 जून 2004 को, हम वहाँ करनाल पहुँच गए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर। बच्चों को हम लेके नहीं गए थे, छोटे थे, और हमें था कि शायद बच्चों को नहीं नाम देते होंगे, तो हम इन्हें नहीं लेके गए। और हम 15 जून 2004 को जाके हमने वहाँ पर, जाते ही हमने पहले गुरुजी, जैसे हम वहाँ गए, पहले तो हम वहाँ शाम को पहुँच गए एक दिन पहले, तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पार्क खाली था जहाँ होना था। फिर हम सुबह दूसरे दिन आए वहाँ पे, हमारे कोई रिश्तेदार थे उनके यहाँ रुक के सुबह आए, तो वहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन संगत बहुत ही कम थी। और मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ज्ञान सुना भी नहीं था, और मैं इनके कहने पर आई थी, इन्होंने कहा था तू सत्संग सुन लेना, तुझे ठीक लगेगा नाम लेना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो मैं देखा कि संगत भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आसाराम बापू लुधियाना में कभी कभार आ पाते थे तो इतनी लाखों की भीड़ ऐसे हो जाती थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे संगत भी कोई नहीं है। तो जैसे हम वहाँ गए, गुरुजी सामने से आ रहे थे, उस टाइम तो खैर क्योंकि मैंने ज्ञान नहीं सुना था, ऐसा कोई भाव नहीं था, तो सामने से गुरुजी हंसते हुए आ रहे थे, और आके वहाँ गुरुजी का आसन लगाया हुआ था, बैठ गए सोफे पे आके। और मेरे हस्बैंड ने तो जाते ही उन्होंने कर दिया धनवत प्रणाम की, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे प्रणाम करते हैं। और मैंने फिर वैसे ही जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, मैंने भी टेका, और गुरुजी ने हमें पूछा कहाँ से आए हो, तो बताया कि लुधियाना से आए हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो इतना बड़ा लुधियाना और ये चार आत्माएँ निकल के आई। उस टाइम मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। फिर गुरुजी ने पूछा कि बेटा सत्संग सुनने आए हो कि नाम लोगे, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी दोनों काम करने हैं। तो गुरुजी कहते पहले नाम लो, तो गुरुजी ने हमें वहीं पे नाम दिया, और फिर नाम लेने के बाद हमने सत्संग सुना। और 5 दिन का वहाँ सत्संग था, 5 दिन के सत्संग में कम से कम मुझे इतना तो वहाँ पे ज्ञान हो गया था कि नहीं ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि सामने दिखा रहे थे, सारे प्रोजेक्टर पे दिखा रहे थे। तो इस तरह से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो पहले मैं ये यहाँ की जो सांसारिक लाभ हैं वो तो परमात्मा वैसे ही रूंगे में देते कहते हैं, और वो सच में वो तो हमें हर पल, मतलब कोई भी काम हमारा अड़ता नहीं है, ऐसे हो जाता है जैसे परमात्मा साथ ही रहते हैं। कैसे हो जाता मुझे नहीं पता लगता, लेकिन सबसे बड़ा लाभ जो मैं मानती हूँ कि हमें वो सतमार्ग मिल गया जिस पे चलकर अब हम आगे, अब कोई भ्रमणा नहीं रही कि जैसे पहले हम लगे हुए थे तो हम श्योर नहीं होते थे, कोई और कुछ बताता था कि नहीं वहाँ ऐसा होता है, वो संत ऐसे बताते हैं, तो जल्दी से डाइवर्ट भी हो जाते थे कि शायद वहाँ ज़्यादा लाभ मिलता हो। लेकिन अब जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है उसमें हमें एक सही मार्ग दे दिया, और साथ में प्रूफ, जो प्रूफ्स दिखाए हैं इतने सारे, उससे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यही मार्ग है, सच्चा भक्ति मार्ग यही है, और इसी मार्ग पे चलकर हम सच में उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आज तक सभी लोग तलाश करते आए हैं, ऋषि मुनि तलाश करते आए हैं, और हमें वो सतभक्ति मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ ये है। और साथ में जो सांसारिक लाभ है, परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की उम्र भी बढ़ा देता हूँ, अगर उसकी सांसें भी ख़त्म हो गई तो भी मैं उसको 100 वर्ष की उम्र देता हूँ। और ये मेरे सामने हुआ है, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल 6 नवंबर को, और ये इसका एक्टिवा पे जा रही थी सुबह सुबह, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था तो इसको नज़र नहीं आया, टाटा है इसके साथ इसकी सीधी टक्कर हो गई, क्योंकि उसकी हेडलाइट्स ऑफ थी और ऑपोजिट साइड से वो आ रहा था।
सामने सामने टक्कर हुई है और ये वहाँ पे गिर पड़ी। जो वहाँ पे सैर कर रहे थे सुबह लोग, उन्होंने इसको वहाँ सामने हॉस्पिटल में पहुँचाया और हमें फ़ोन किया। उसके बाद हम इसको लुधियाना में DMC हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे इसकी 7-8 घंटे तक सर्जरी चली और डॉक्टर से मैंने पूछा था, जब इसके पूरा ब्लड निकल ही रहा था उस टाइम, कि डॉक्टर मतलब क्या, वो कहते अभी हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर से बताएंगे, अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद शाम को 4 बजे जब ये होश में आई, और बिल्कुल ये ठीक थी और होश में भी बहुत जल्दी आ गई। जब तक डॉक्टर्स ने कहा था कि ये होश में आने पे भी शायद कुछ परेशान करेगी, मतलब एकदम से वायलेंट हो सकती है, इसने कुछ नहीं किया, ये आराम से बिल्कुल उठते इसने सबको पहचाना और बिल्कुल ठीक थी। जबकि डॉक्टर्स ने कहा था इसका ब्रेन भी बाहर आ गया था और इसका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ, पढ़ाई में बिल्कुल तेज है। इसके बाद इसने +2 के पेपर दिए, इसका हाथ भी टूट गया था, उसी हाथ से इसने पेपर दिए हैं सारे अपने, और अपना आगे CA के लिए CPT का टेस्ट भी इसने दिया, वो भी इसने क्लियर कर लिया, बिल्कुल ठीक है। और परमात्मा के पास सब, जब इसको लेके आए, हाँ तो 10-15 दिन के बाद हम इसको लेके आए थे यहाँ पे, तो परमात्मा ने इसको बताया कि बेटा तेरी उम्र जो थी, आयु उतनी ही थी, तेरी सांसें ख़त्म हो गई थी और ये आगे अब परमात्मा ने आपकी उम्र बढ़ाई है। तो मालिक ने जो कहा वो हमारे सामने बिल्कुल मालिक जो कहते हैं वही करते हैं। और एक जैसे मतलब जब हमने नाम लिया था तो गुरुजी ने जो ज्ञान दे दिया था उस ज्ञान पे तो कोई शक की खैर गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि वो तो सामने दिखा दिया। लेकिन जो पुराने भगत हमें मिलते थे तो वो बताते थे हमारे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने हमारी ये चीज़ बढ़ा दी, ऐसे बढ़ गया हमारे घर में पैसे बढ़ गए, ये तो मुझे पूरा ये नहीं, मैं कहती थी कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे ये होता था कि हमारे मेरे सामने तो नहीं हुआ ऐसा कभी भी कुछ बढ़ गया हो अपने आप, पूरा मुझे वो नहीं होता था। तो एक बार जब गुरुजी 2008 में जब आए थे रोहतक जेल से वापस, तो उसके बाद हम गुरुजी से मिलने गए थे, तो गुरुजी तब टॉफियों का प्रसाद देते थे, ऐसे उठा के तब गुरुजी दे देते थे, तो टॉफियों का प्रसाद गुरुजी ने दिया, तो प्रसाद ले लिया मैंने वो, बस उसके बाद हम घर चले गए तो मुझे याद नहीं आया कि प्रसाद लिया है। दूसरे दिन मुझे याद आया, उसमें से ये बच्चों ने क्या करा कि सारी टॉफियाँ निकाली और 5 घर में बड़े 5 जने थे और 5 ही रखी बस, कहते हमने 5 टॉफियाँ आपकी रख दी प्रसाद की, बाकी हमने खा ली। मैंने कहा ठीक है। और दूसरे दिन मुझे याद आया कि मैंने प्रसाद दिया था गुरुजी ने, हमने लिया भी नहीं, तो मैं निकाल के लेके आई, तो मैंने 1 टॉफी अपनी सास को दी, 1 ससुर जी को दी और 1 टॉफी हमारे घर में नानी जी आई हुई थी उनको दी, और 1 टॉफी जो थी वो ये बच्चे देखने लगे कि हमारा प्रसाद, मैंने कहा तुमने खा लिया था, कहते नहीं अब हमें, मैंने कहा चलो एक ये आधी आधी खा लो तुम और 1 टॉफी अब ये मेरा प्रसाद है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी, कहते ठीक है। इन्होंने आधी आधी मैंने इनको दे दी। तो ऐसी मेरे देवर का बेटा आया था, मुझे याद नहीं था, वो खैर कभी कभी आता है, वो बैठा था ड्राॅइंग रूम में, तो उसने आवाज़ मारी कि मैं भी हूँ। मैंने कहा अच्छा तू भी है, चल मैंने कहा आज आधी आधी ले लेते इसमें से हम दोनों। तो मैंने वैसे मेरे पास आके बैठ गया, और मैंने रैपर समेत ही टॉफ़ी तोड़ के खोल के आधी उसके मुंह में डाली और आधी मैं ऐसे ही सामने TV पे वैसे ही चल रहा था कि लॉबी में बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे ही टॉफ़ी खोल के आधी अपने मुंह में डालने लगी। तो जैसे ही यहाँ तक लाई तो मेरी नज़र पड़ी वो टॉफ़ी बिल्कुल पूरी हो गई थी, मैंने सबको दिखाई, सारे वहाँ पे जो बैठे हुए थे, 1 सेकंड में मैं ऐसे देखा, मैंने सबको कहा कि मम्मी ये टॉफ़ी पूरी कैसे हो गई, वो एकदम से वो टॉफ़ी परमात्मा ने वो प्रसाद बढ़ा दिया, पूरा कर दिया। और मेरे को उस दिन के बाद कभी मतलब कोई भी कुछ कहता तो कभी जो कमजोरी थी वो बिल्कुल मालिक ने निकाल दी कि परमात्मा सब कुछ बढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है परमात्मा के लिए। ये एक छोटा सा चमत्कार था लेकिन इसने मेरा जीवन बदल दिया और मेरी जो भक्ति थी वो दृढ़ कर दी। बहन जी, पहले आप बता रहे थे जैसे पहले आप संत आसाराम जी से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का आपने जाप किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला, उसके बाद परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो बता रहे हैं कि आपको सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ, आपको पता चला किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो दूसरा, आपकी जो बेटी थी उसका इतना एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया, आप बता रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी ही नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवनदान दिया। और फिर आप बता रहे हैं कि आपके अंदर जो एक त्रुटि थी कि परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आपके बिल्कुल हाथ में उन्होंने, चलो एक माइन्यूट सी बात लगती है लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब घटना है, इसको भगत समाज एक उसको ये पूरे भगत समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है कि एक टॉफी का प्रसाद आधी टॉफी को पूरा कर देना, आपको ये बिलीव दिलाना कि यस आई एम गॉड एंड आई कैन डू एवरीथिंग, तो एक बहुत बड़ी घटना भी है ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं।
भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब परमात्मा धरती पर आए हुए हैं और सारे वो जो भी बता रहे हैं प्रूफ के साथ बता रहे हैं, सारे वेद उन्होंने खोल दिए, सारे पुराण खोल दिए, गीता जी जितने भी हमारे ये पवित्र शास्त्र हैं इन सबको परमात्मा दिखा रहे हैं और प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं कि देखो हमारे वेद कहते ये पुराण गीता जी ये सब ये कहते हैं और जो संत बाकी संत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। आप खुद सारे जो लोग हैं जितने भी भक्त समाज में भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, ये खुद निर्णय कर सकते हैं कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहे हैं। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके परमात्मा की शरण में आइए क्योंकि ये समय बीता जा रहा है और ये दोबारा ये जो भक्ति युग है ये अभी बिल्कुल पीक टाइम आया हुआ है भक्ति युग का और इस टाइम जो मौका चूक गए तो फिर ये दोबारा ये पता नहीं कब लाखों वर्षों बाद फिर कब कलयुग में जाके दोबारा मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी अब विलम्ब ना करें और भक्त समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आएं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना उद्धार करवाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।